आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम किल्लाई नाका बालाकोट रोड दमोई। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। T20 वर्ल्ड कप भारत वर्सेस पाकिस्तान लाइव डिबेट दमोई के घंटाघर से रात 8 बजे दिन शनिवार दिनांक 23/10/2021 एडवोकेट दीपक श्रीवास्तव के साथ ACN दमोई न्यूज चैनल नंबर 99 पर। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा कोतवाली पहुंचकर देवी जागरण भजन के नाम पर हिंदू धर्म में पूज्य माँ चंडी एवं भारत की बेटियों का नाम पूर्णता से भरे गीत में प्रयोग किए जाने पर गीतकार संगीतकार गायक सहित सुमित रिकॉर्डिंग स्टूडियो 3 गुड़िया मामला दर्ज की मांग को लेकर कोतवाली पहुंचे, जिसके संबंध में क्या कहना है हिंदू संगठन के लोगों का, वह कोतवाली थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत का सुनते हैं। आप लोग आज कोतवाली पहुंचे? जैसे ही हिंदू संगठन को विश्व हिंदू परिषद प्रधान को ज्ञात हुआ कि एक सुमित रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि 3 गुड़िया पर है, उसके द्वारा एक वीडियो चर्चा में आया है जिसके बोल हैं माई चंडी पी रही बिटिया बिया ठंडी, जिसने हिंदू की भावनाओं को आहत किया है और हमारी जो बेटियां हैं जो हिंदू धर्म से जड़ी बेटियां हैं उनको भी आहत किया है। इस संदर्भ में TI साहब को मांग की है कि उस पर उचित कार्रवाई हो और ऐसे स्टूडियो का लाइसेंस रद्द किया जाए। वाली पहुंचे आप लोग? आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से यहाँ पे एक ज्ञापन देने आए हैं TI साहब को, जिसमें यूट्यूब चैनल जो अपने यहाँ सुमित स्टूडियो चला रहे हैं उसमें ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और हमारी माताओं बहनों को मैसेज बहुत गलत प्रतीत होता है हम लोगों को, जिससे इसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है और इस पर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हिंदूवादी संगठन ने आके एक ज्ञापन दिया है, कोई यूट्यूबर है सुमित राठौर, जिसके द्वारा यूट्यूब पे एक आपत्तिजनक गाना पोस्ट किया गया है, इसी के संबंध में हिंदूवादी संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसकी जांच के लिए सब इंस्पेक्टर स्तर के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है, बाकी सुमित को भी बुलाकर उनसे भी पूछताछ की जाती है।